हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट्स इजीली ऐड कर सकते हो। तो कई मोबाइल्स में प्रॉब्लम होती है, मेरे पास वीवो का मोबाइल है तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड का ऑप्शन नहीं होता, तो कई मोबाइल्स में प्रॉब्लम होती है, तो आज इस प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट्स ऐड करने के लिए आपको आपके पास एक फ़ॉन्ट अवेलेबल होना चाहिए, जो कि या तो आप डाउनलोड कर सकते हो या आपको पास पहले से होना चाहिए। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट जो है फ़ॉन्ट डाउनलोड वेबसाइट है जिसका नाम है dafont.com, जिसको आप डाउनलोड जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली फ़ॉन्ट्स को। तो मैं आपको दिखाता हूँ उससे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सर्च करना है dafont.com, या देखिए आप ऊपर आ सकते हैं डाउनलोड फ़ॉन्ट्स। इसको क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ बहुत सारे जो है फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, आपको क्लिक करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ हॉरर पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो बहुत सारे जो है फ़ॉन्ट्स आ गए। और मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट, जैसे सेरिफ फिक्स्ड विथ, तो इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ हमारे पास हमने फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। तो मैं इनको डाउनलोड करने के लिए आपके सामने मान लो जैसे आप एबसेंडर जो ये है इसका डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे ये वाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने जो है डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो ये ऐड आएगी इसको आपको क्लोज करना है। आपका जो फ़ॉन्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस फ़ॉन्ट को जो है आपके मोबाइल में आप मतलब पिक्सल लैब में कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए अब आप इसका नाम देखना होगा, जैसे इसका नाम है एबसेंडर, जो ये आपकी गाइस जो आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हो इस जो ये जिप फाइल होती है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है या इसको डिकम्प्रेस करना होता है। तो मैं इसको फाइल मैनेजर में निकालता हूँ और इसको अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपने जहाँ डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट करना, और जैसे मैंने डाउनलोड में सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो एबसेंडर जिप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इस पर जो है होल्ड करके रखना है, मीन्स आपको कई देर इसको प्रेस करके रखना है। तो आपके सामने थ्री डॉट्स का ये आएगी, थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए कि कुछ मोबाइल्स में यहाँ पर लिखा होता है एक्सट्रैक्ट हेयर, और उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ये फाइल जो है आपकी जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। बट वीवो के मोबाइल में मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी, बस मुझे पता चला कि यहाँ पर डीकम्प्रेस फाइल पर ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो अगर आपके पास वीवो या कोई जहाँ पर आपको जिस मोबाइल में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसमें आपको डीकम्प्रेस करना, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब ओके करना है। तो ये तो देखिए फाइल जो एबसेंडर नाम का न्यू फोल्डर हमारे सामने क्रिएटेड हो चुका है। तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए और आपका जो पिक्सल लैब उसको ओपन कीजिए। जैसे मैंने अपना मेरे पिक्सल लैब ओपन कर लिया, और जैसे ये न्यू फॉन्ट है यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में जाके आपको फॉन्ट चेक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉन्ट आपको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो ये रहा फॉन्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा माई फॉन्ट्स, तो इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो इधर वाला जो ऑप्शन है इस पर फाइल वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक करना है। एंड जहाँ पे आपने इसको जो एक्सट्रैक्ट किया था या जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था उस फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में मैंने इसको डीकम्प्रेस किया था और वहीं पर मैंने डाउनलोड किया, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो एबसेंडर जो ये है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो इसके बास बॉक्स है इस पर क्लिक करके आपको तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है एड सेलेक्टेड, इस पर क्लिक करना है। एंड अब आप देख सकते हो आपके सामने का ये एबसेंडर वन नाम से ये फ़ॉन्ट आपके सामने आ चुका है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड ओके पर प्रेस करना। देख सकते हो आप जैसे मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ, तो ये मेरा नेम है, तो आप देख सकते हो आ चुके हैं आपके सामने। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपके कोई भी सजेशन हो और आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑसम फैक्ट हिंदी, और मोहित तिवारी, इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हो, कुछ भी बात पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस।